वेलकम बैक टू माय चैनल बिजू का पाठशाला। मैं नितिन आज आपको निफ्ट के एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी से रिलेटेड कुछ टिप्स देने जा रहा हूँ। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही साथ बेल आइकन पर प्रेस करना ना भूलें, जिससे आपको प्रॉपरली अपडेट मिलता रहेगा। तो निफ्ट एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी से रिलेटेड एक क्वेश्चन के बारे में मैं डिस्कस करना चाह रहा था आपसे कि निफ्ट का जो एंट्रेंस एग्जाम की जो तैयारी होती है उसमें बच्चों ने मुझसे पूछा कि क्या पेंटिंग हमें आना बहुत ज़रूरी होता है, हमारी स्केचिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए। तो मैं आपको बता दूँ कि निफ्ट के एंट्रेंस एग्जाम के लिए पेंटिंग और स्केचिंग थोड़ी बहुत आपको आनी चाहिए, अदरवाइज ऐसा कुछ नहीं है कि आपकी पेंटिंग बहुत बहुत ही अच्छी हो, ऐसा कुछ नहीं होता है। ठीक है, तो निफ्ट के एंट्रेंस एग्जाम के लिए मैं आपको बता दूं कि आपके अंदर क्रिएटिविटी, प्रेजेंस ऑफ माइंड, ये सारे चीज को टेस्ट किया जाता है कि आपकी सोच कितनी अच्छी है, कितनी क्रिएटिविटी है आपके अंदर और आप उसको किस तरीके से कनेक्ट कर सकते हैं। आपको सपोज मानो किसी एनवायरमेंट के अंदर में आपको रखा गया हो और उस एनवायरमेंट में आप किस तरीके से कनेक्ट करते हो, चाहे वो कोई भी चीज़ हो सकता है, चाहे वो वेडिंग हो सकता है, चाहे वो एक मेला हो सकता है, चाहे वो पिकनिक स्पॉट हो सकता है, जब आप किसी जगह पर आपने आपको कनेक्ट करते हो प्रॉपरली, अपना इन्वॉल्वमेंट दिखाते हो और उस जगह से वो चीज़ें बाहर निकालते हो और उसको प्रेजेंट करते हो पूरी तरीके से, हर एक एलिमेंट को उसमें आप उसमें ड्रॉ करोगे, आप उसमें क्रिएटिविटी ऐड करोगे, तो उसमें क्या होता है कि आपका जो जजमेंट है, आप क्रिएटिविटी की जो जजमेंट है, आपका जो प्रेजेंस ऑफ माइंड किस तरीके से ऊपर की तरफ ग्राफ बनाता है, ये सारी चीज़ें निफ्ट के एंट्रेंस एग्जाम में देखा जाता है। ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है निफ्ट के एंट्रेंस एग्जाम को लेके, खासकर पेंटिंग से रिलेटेड चीज़ों को लेके। तो हमारे साथ बने रहें और नमस्कार, और आने वाले वीडियो के साथ मैं आपको फिर से मिलता हूँ।